अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में विजन टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहरयार शेख, और आज मेरे साथ मौजूद है मिस उरूज फातिमा। आज मिस उनसे क्या नहीं आ पाई, तो शायद मेरा ख्याल है यही वजह है कि कल जो हमने मोंटी क्रिस्टो का जो फ्री पिज़्ज़ा ट्रायल पर गए थे, तो इतना वो लजीज था और इतना अच्छा था, क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी थी और फ्री, ऊपर से फ्री पिज़्ज़ा ट्रायल था जी। तो मेरा ख्याल है कि शायद वो मिस उनसे जो कहनी है वो ओवर ईटिंग का शिकार हो गई हैं, और तो इसलिए आज वो यहाँ हाज़िर होने से कासिर हैं। तो इसलिए आज हमें ज्वाइन किया है मिस रुज फातिमा ने, और आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपको बताया गया था कि कल कि हम संडे को सेंटोरस में आएंगे और यहाँ भी फ्री पिज़्ज़ा ट्रायल देंगे, और आप देख सकते हैं यहाँ पीछे रश लग रहा है और लोग पिज़्ज़ा इन्जॉय कर रहे हैं और उनको बहुत पसंद भी आ रहा है। तो मिस रुज फातिमा, आपका क्या कहना है इस बारे में? थैंक यू सो मच शहरयार, मुझे सेंटोरस में आज बहुत मज़ा आ रहा है। मोंटी क्रिस्टो के पिज्ज़ाज बहुत मज़े के हैं, और सबसे अच्छी बात ये शहरयार कि 600 में हमें 13 इंच का पिज्ज़ा मिल रहा है, दैट इज़ अमेजिंग। लाइक और पिज्ज़ा का टेस्ट, उसके फ्लेवर्स, दैट इज़ अमेजिंग। आपने ट्राई किया पिज्ज़ा इनका? बिल्कुल, तो अच्छा लगा आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा। तो मेरा ख्याल है कि ये तो इतना मतलब अफोर्डेबल प्राइस है, अब तो मैं शेख हूँ, अलग है यार, पीछे नाम भी मेरा उधर मेंशन होता है शहरयार शेख, जो लोग कहते हैं नहीं यार इससे तो पैसे निकालना बड़ा ही मुश्किल काम है। मैं तो खुद लोगों को बुला बुला के दोस्तों को कह रहा हूँ, जब से ये कल से मोंटी क्रिस्टो की कंपेन चल रही है और आज भी चल रही है यहाँ सेंटोरस में, कि आओ यार आओ, जिसने ट्रीट लेनी आओ, मैं ट्रीट देता हूँ तुम लोगों को। तो आपने किसी को बुलाया नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने भी लोगों को दावत दी है कि वो आए और आज मुझसे ट्रीट लें, बहुत ही अच्छा मौका है। जिसने मुझसे ट्रीट लेनी है वो आज सेंटोरस में आए और मोंटी क्रिस्टो का पिज्जा खाए। नहीं, ये तो आप फ्रीज उनके जज्बाती हो रही है ना, फिर जो आप कह रही है कि सेंटोरस में आए और आए मुझसे ट्रीट लें, तो हम ऐसा करते हैं पहले हम चल के लोगों के शॉर्ट्स लेते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में, उनको पिज्जा कैसा लग रहा है, उनको टेस्ट कैसा लग रहा है और मोंटी क्रिस्टो की सर्विस उनको कैसी लग रही है। आइए इस बारे में लोगों से जानते हैं। आपका नाम क्या है? अहमद। अच्छा अहमद, आपने पिज्जा खाया मोंटी क्रिस्टो का, आपको कैसा लगा? बहुत मजेदार लगा है। मजे का लगा है? पहले पिज्जा खाया इस तरह का आपने कहीं? नहीं नहीं। आपको कैसा लगा बेटा पिज्जा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है, आप तो इतना ज्यादा खा रहे हो, आपको तो कुछ ज्यादा ही अच्छा लगा मुझे लगता है। बेटा आपको पिज्जा कैसा लगा मोंटी क्रिस्टो का? बहुत अच्छा लगा है। आपने इस तरह का पिज्जा पहले ट्राई किया? नहीं। अच्छा, तो आप मतलब कि आप ये खा रहे हो, तो घर जाके जब घर जाओगे फिर पापा या मम्मा को बोला करोगे कि मुझे वहीं से पिज्जा खाना है जहाँ से हमने उस दिन सेंटोरस में खाया था? जी। क्या बोला करोगे? मोंटी क्रिस्टो। मोंटी क्रिस्टो। कैमरा में कितना देख के बोलो, बोलो मोंटी क्रिस्टो। मोंटी क्रिस्टो। मोंटी क्रिस्टो। मोंटी क्रिस्टो। ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, तो आज आप मोंटी क्रिस्टो का पिज्जा एंजॉय कर रही हैं, तो ये कैसा लगा? आई हैड इट फर्स्ट टाइम एंड इट्स यम। इट्स रियली। और आपको पता है कि इसकी प्राइस क्या है? नो, आई हैव नो आईडिया। इट्स ओनली 600 रुपीस एंड 13 इंच पिज्जा। वाओ, दैट्स नाइस, इट्स टेस्टी। या आई वुड सजेस्ट, इट्स टेस्टी। तो मतलब कि आप आज के बाद मोंटी क्रिस्टो को ही जाके और पिज्जा ऑर्डर करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जीशान जहांगीर। जी जीशान जहांगीर साहब, जैसे कि मैं देख रहा हूँ आप कल भी F7 में ये फ्री का पिज्जा खाने पहुंचे हुए थे और आज भी आप यहाँ पर हैं। चलिए मैं भी आपके साथ हूँ यार, तो क्या कहना आपका मोंटी क्रिस्टो के बारे में, किस तरह का लगा आपका पिज्जा? इट वाज ऑसम, बहुत अच्छा टेस्ट है लोगों एंड इट वाज गुड। अच्छा, तो आप मतलब इसको प्रेफरेंस देंगे इस पिज्जा को एज कम्पेयर टू अदर पिज्जाज? लेट मी रेट इट, आई रेट इट आउट ऑफ 10, 7 मेबी। तो 7 क्यों, जो बाकी 3 आपने ओमिट किए उसकी वजह? थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है किसी जगह भी। हाँ, और इनकी जो ऑनलाइन सर्विस है, जो इतनी फास्टेस्ट सर्विस दे रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना पसंद करेंगे आप? इनकी एक चीज़ बहुत पसंद आई जो आज से पहले मैंने देखी नहीं है, मतलब बहुत कम देखी है, जिन्होंने एप्लीकेशन बनाई है अपने पिज्ज़ा के लिए, और उनकी जो रेट्स हैं, मतलब टू वेरी ऑनेस्टली, इस रेट में पिज्ज़ा देना रियली गुड, बहुत अच्छा लगा। खासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए, और जो लोग खासतौर पर जो ट्रीट वाले मौकों पर फंसे होते हैं, मेरे जैसे लोग। खुद भी फूड बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं, मेरा अपना रेस्टोरेंट है फेड में, और मेरा फर्स्ट वेंचर था वो भी पिज्ज़ा बेस्ड ही था, तो मतलब मुझे तो इनके रेट देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा रेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपका नाम? रेहाना अली। ठीक है, तो आप फैमिली के साथ आई हुई हैं? जी बिल्कुल, फैमिली के साथ आए हुए हैं। और आपने मोंटी क्रिस्टो का पिज्जा ट्राई किया? बिल्कुल ट्राई किया, आप भी लेकर। कैसा लगा? टेस्टी है, मजे का है। ठीक है, तो आपको पता है इसकी प्राइस क्या है? नहीं। ये 600 रुपीज़ में आपको 13 इंच पिज्जा मिल रहा है, तो बिल्कुल। और आपको कैसा लगा? प्यारा है, मीठा है, मजे का है।
तो उम्मीद करते हैं कि आप मोंटी क्रिस्टो का ही अपना इंशाल्लाह इंशाल्लाह थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? आसिम सर। आसिम भाई क्या कहना चाहेंगे आप मोंटी क्रिस्टो जो पिज्जा है इसके टेस्ट के बारे में? अच्छा है सर, वेरी फैंटास्टिक। तो और क्या कहना चाहेंगे इसके प्राइस के बारे में कि आपने शायद देखा होगा कि 600 रुपये में 13 इंच साइज का पिज्जा और ये कहीं आजकल कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस सर्विस के बारे में क्या कहेंगे? ऑनलाइन सर्विस आपने अभी तक ऑनलाइन सर्विस ट्राई किया इनकी? नहीं वो नहीं की। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप जरूर ट्राई करें। बाकी टेस्ट के लिहाज से आप कह रहे हैं कि अच्छा लगा है आपको, आई होप कि आपको आगे भी पसंद आए। तो किस तरह का एडिशन चाह रहे हैं आप इसमें? हो इसमें मजीद को करें बेहतरी इसकी डिलीवरी की और प्राइस वगैरह भी कम हो तो इसका अच्छा। प्राइस तो ऑलरेडी कम है इसकी, प्राइस तो 600 रुपये में। हाँ अच्छा अच्छा ठीक होगा। वेल ऑल दो कि आपको अच्छा लगा पिज्जा? जी जी बिल्कुल। आपका नाम? सैयद फिदा हुसैन। फिदा भाई क्या कह रहे हैं आपका मोंटी क्रिस्टो पिज्जा के बारे में कि कैसा लगा आपको इसका टेस्ट? काफी अच्छा है, न्यू है ये मेरे ख्याल से, लेकिन अच्छा बिल्कुल न्यू सर्विस आई है ये सर्विस है और इसका फ्लेवर भी थोड़ा डिफरेंट है इसका, अच्छा है ये। तो मतलब कि आप इसको आपको पसंद आया, आप दोबारा भी ट्राई करना इसको पसंद करेंगे, आगे फ्यूचर में ऑर्डर करना, परचेज करना, आगे लोगों को रेफर करना? लाजमी क्यों नहीं, इंशाल्लाह। तो आप क्या मुझे बताएं, मैरिड हैं आप? जी मैरिड हैं आप? जी जी मैरिड हूँ मैं। तो मेरा तो ख्याल है आपके तो इतनी जो अफोर्डेबल की प्राइस है, आपके तो बच्चे रोज भी आपको बोले पापा पिज्जा खाना, तो मेरा ख्याल आप तो रोज लेके दे सकते हैं। 600 रुपये में 13 इंच साइज का पिज्जा यार किधर मिलता है आजकल? ये अच्छी सर्विस है, ये फैमिली में आप जाके इंजॉय कर सकते हैं, यानी बजट में आपके बजट में आ जाता है। एक्जेक्टली आपके बजट में, ऊपर से हर तरह का फ्लेवर, चाहे फजीता हो या टिक्का हो या सुप्रीम हो, हर तरह का फ्लेवर। ऑनलाइन सर्विस आपने इनकी ट्राई की अभी तक? नहीं अभी तक नहीं ट्राई की, ट्राई करूंगा इंशाल्लाह फ्यूचर में। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद ताहा बिलाल। ताहा बिलाल मुझे बताओ आपने पिज्जा ट्राई किया मोंटी क्रिस्टो का? यस। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। आप पापा से दोबारा भी बोलोगे कि मुझे यही वाला पिज्जा खाना है? यस। सर देखें अब बच्चे ने तो बोला और मेरा ख्याल है कि इतनी अफोर्डेबल प्राइस है, तो आपको तो बच्चे रोजाना भी बोले तो आप मना नहीं करने वाले? हाँ ले अब मुश्किल होगा मना करना, क्योंकि देखें ना कि 13 इंच साइज का पिज्जा सिर्फ 600 रुपये में, और वो भी क्वालिटी के बारे में आपका क्या कहना है? डेफिनेटली मैंने भी चेक किया और बाकी पिज्जा से बहुत अच्छा इसको पाया। तो मतलब आगे भी रेफर करेंगे? डेफिनेटली इंशाल्लाह आप इसको ट्राई करते रहेंगे, मेरा ख्याल करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आपका नाम? इश्तियाक गोंदल। अच्छा आप सर आए हैं यहाँ पे और आपने मोंटी क्रिस्टो का पिज्जा एंजॉय किया है, तो आपको कैसा लगा? मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो अच्छी चीज़ थी कि उसका जो रेट था वो बड़ा रीजनेबल था। आपका मेरे ख्याल 13 इंचेस जो है 599 रुपीज़ में दे रहे हैं, और मैंने आपसे कंफर्म किया कि ये सिर्फ आपके प्रमोशन के लिए है या आगे भी आप इसी तरह से लेकर चलेंगे, तो आपने कहा कि मुस्तकिल तौर पर ऐसा ही है। अगर वाकई इस्लामाबाद के अंदर 599 में आपको 13 इंचेस का पिज़्ज़ा परमानेंट बेसिस के ऊपर मिल जाए जो बाद में रेट इंक्रीज ना हो, तो यकीनन ये अपनी मिसाल आप होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी रेकमेंड करेंगे कि आप मोंटी क्रिस्टो का पिज्ज़ा लें। हाँ जी डेफिनेटली, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं साथ दोस्तों को बताऊंगा, फ्रेंड्स को भी बताऊंगा, फैमिली के मेंबर्स और जितने भी लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच। विशेस। थैंक यू। आपका नाम? वसीम। जी वसीम भाई क्या कह रहे हैं आपका ये मोंटी क्रिस्टो पिज्जा आप टेस्ट कर रहे हैं इस वक्त आपके हाथ में और हाथ के साथ मुंह में भी है, इतना अच्छा है कि बंदे से सब्र नहीं होता कि बंदा कहता है खाता ही जाए, तो क्या कहना है? पानी ना आए। अच्छा तो मतलब आप इसकी क्वालिटी आपको कैसी लगी? कमाल। इस तरह का पिज्जा आपने पहले ट्राई किया? बहुत बार। तो फिर इसमें दूसरे में फर्क क्या हुआ? अभी भूख लगी इसलिए मजे का लग रहा। अच्छा तो आगे भी ट्राई करेंगे? सिर्फ भूख लगेगी तभी ट्राई करेंगे या फिर कोई स्पेशलिटी तो होगी ना इसकी? जब कोई साथ आएगा एंजॉय करने के लिए तो बस। आप ये देखो ना एंजॉय करने के लिए आप जैसे साथ अकेले तो आओगे नहीं ना, अभी अकेले आए हुए हो आप, तो जो प्राइस इसकी है जो देखो ना जो 13 इंच साइज पिज्जा है ये 13 इंच साइज का वो सिर्फ 600 रुपये में है, और इतने साइज में पिज्जा इतना सस्ता नहीं मिलता कहीं, तो प्राइस के बारे में क्या कहना आप? है सेंटोरस में ही है ना ऊपर फूड कोर्ट में, तो नहीं इनका भी आउटलेट नहीं है अभी, तो ये ऑनलाइन सर अपनी जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत अच्छी, और इनकी जो स्पेशलिटी है ऑनलाइन सर्विस में वो ये है कि जल्द से जल्द दूसरे पिज्जाओं के अलावा ना ये है कि इसकी कम प्राइस है, इसलिए इसका अच्छा टेस्ट भी है और प्राइस में भी ये है कि अच्छा है। तो आगे फ्यूचर में आगे ट्राई करेंगे दोबारा? ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, और हम दूसरों को भी कहेंगे कि ट्राई करें क्योंकि प्राइस जो है वो रीज़नेबल है। फैमिली के साथ आता है तो फिर तो लाजमी खाना पड़ता है क्योंकि फैमिली बड़ी होती है, पिज्जे छोटे होते हैं, इसलिए फैमिली बड़ी होगी पिज्जा ही बड़ा होगा। सर ये बताओ आपकी, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ऑनलाइन सर्विस भी है इनकी मोंटी क्रिस्टो के नाम से, इनकी ऐप भी है और इनका फेसबुक पे पेज भी है, आप वहाँ पर जाकर देखते हैं इस्लामाबाद पिंडी में पूरी जो फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज वहाँ पर दे रहे हैं, तो आप ये वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करेंगे आई होप सो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सुहेमा है। अच्छा सुहेमा आपने मोंटी क्रिस्टो का पिज्जा ट्राई किया, तो आपको कैसा लगा? मजे का है, बहुत अच्छा है।
अच्छा, तो आपने फ्लेवर्स कौन सा ट्राई किया, कुछ पता है? तो आपने देखा है कि लाइक 600 रुपीज़ में इस्लामाबाद में 13 इंच का पिज्ज़ा, तो आप क्या रेकमेंड करेंगी लोगों को जाके? बहुत मज़े का था, हमने खाया और बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच। वेलकम। आपका नाम? मेरा नाम साद है। जी साद भाई, क्या कहना चाहेंगे आप मोंटी क्रिस्टो पिज्ज़ा के बारे में, कि आपने अभी टेस्ट किया, टेस्ट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और उसकी क्वालिटी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट बहुत वॉज़ वेरी गुड, और आई मीन मुझे डिफरेंट लगा एज़ कम्पेयर टू यू नो अदर जो पिज़्ज़ा पार्लर्स हैं इस्लामाबाद में उनसे। इसमें थोड़ा सा कहने के होम मेड टच आता था, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब हर बंदा जो है वो चाहता है कि घर का फ्लेवर जो है वो उसको मिले, ना कि उसको एक ट्रेडिशनल फ्लेवर मिले। तो और प्राइस के बारे में आप क्या कहेंगे कि 13 इंच साइज का पिज़्ज़ा जस्ट वर्थ ऑफ 599 रुपीज़? ये बहुत अच्छी अमेजिंग प्राइस है। आप आई थिंक दिस प्राइस कैन बीट ऑल ऑफ द पार्लर्स which are already in the market. You mean to say this is the edge जो है ये मोंटी क्रिस्टो के पास एक एज है बाकी सबको बीट करने के लिए? हाँ एग्जैक्टली, ये एक सॉर्ट ऑफ अच्छी प्राइस है। इस प्राइस पे अगर आप सेल करेंगे तो आप यू डेफिनेटली हैव अ कंपैरेटिव एज ओवर अदर पार्लर्स। जस्ट द प्राइस और द क्वालिटी एज वेल? क्वालिटी इज आउटस्टैंडिंग, जैसे कहा कि इट इज कंपेरेबल टू बिग ब्रांड्स एंड क्वालिटी इज देयर, इट इज गुड। मतलब आप आगे फिर से जरूर ट्राई करना पसंद करेंगे और रेफर भी करेंगे आगे इसको? यस, श्योर श्योर श्योर। तो जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि लोगों के बहुत ही अच्छे कमेंट्स थे, बहुत ही अच्छे रिव्यूज थे पिज्जा की क्वालिटी को लेकर और पिज्जा की प्राइस को लेकर। जिन लोगों ने कहा कि हाँ, जो फैमिली के साथ है कि हाँ अब तो इधर आना ही पड़ेगा, ना कि सिर्फ प्राइस को लेकर कि वो कह रहे थे कि आना ही पड़ेगा कि प्राइस इतनी कम है, वो साथ साथ क्वालिटी की भी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे कि ऐसी क्वालिटी उनको इस्लामाबाद रावलपिंडी में कहीं देखने को और टेस्ट करने को और खाने को नहीं मिलती। तो अरूज, आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल शेरियार, ऐसा ही है। मैंने जितने भी रिव्यूज़ देखे, जितने भी हमने लोगों के कमेंट्स लिए, उनका यही कहना था कि मोंटी क्रिस्टो के फ्लेवर्स, इनकी सर्विसेज, इनके प्राइजेस बहुत ही अच्छे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ ही अरसे में, बल्कि बहुत ही जल्द मोंटी क्रिस्टो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में छा जाएगा। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप रूज। इसी के साथ साथ मैं आप सबको ये भी बोलूँगा कि आप सब लोग भी ज़रूर ट्राई करें मोंटी क्रिस्टो, और अगर आपको पसंद आया तो ये मैं शहरयार शेख आपको अपनी जुबान दे रहा हूँ कि अगर आपको पसंद ना आया तो आप पिज़्ज़ा, पहली बात तो ये तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, आपको ज़रूर पसंद आएगा। क्योंकि जो मैं इतना फूडी हूँ ना मिस रूज, मैं इतना फूडी हूँ कि मैं कुछ चीज़ मुझे बुरी लगे मैं फ़ौरन साइड पे कर देता हूँ। वो मुझे इतना मज़े का लगा, मैं खाता ही जा रहा हूँ, खाता ही जा रहा हूँ, मेरी बस ही नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है नाज़रीन, अब तो बोलते बोलते मेरे मुँह से शायद पानी ना निकल है दोबारा से पिज़्ज़ा टेस्ट करने के चक्कर में। तो इसी के साथ आप देखते रहिए विजन टीवी, और हाँ, अगर आपको हमारा शो पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।